जब मैं प्रश्न चिन्ह करता हूं कि इस देश की सरकार इस देश के आदिवासियों के लिए क्या कर रही है, इस देश के दलितों के लिए क्या कर रही है, इस देश के महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्यों इस देश में मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जब मैं ये सवाल करता हूं तो कहते हैं ये तो देशद्रोही है। हम बोले अच्छा आ जाओ एक बार इसी पे बात कर लेते हैं। अगर इस देश के अंदर किसानों की बात बोलना देशद्रोह है, अगर इस देश के अंदर आदिवासियों के लिए आवाज उठाना देशद्रोह है, अगर इस देश के अंदर दलितों के हक की लड़ाई करना देशद्रोह है, अगर इस देश के अंदर महिलाओं को उनके घर में बराबरी का हक दिलाना, उनको समान काम का समान वेतन के अधिकार को इंश्योर कराना देशद्रोह है, अगर इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार मांगना देशद्रोह है, तो मैं देशद्रोही बोल रहा हूं। और ये देशद्रोही कह रहा है कि हमारे देश की परिभाषा मनुस्मृति से नहीं तय होती है, हमारे देश की परिभाषा भारतीय संविधान से तय होता है। इसीलिए तुम्हारी हर वो कोशिश जिसमें तुम संविधान को बदल देना चाहते हो, जिसमें तुम कहना चाहते हो कि जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, मैं इस व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज जब मैं जहां रुका हुआ था आपके जो राजू भैया हैं उनके यहाँ, तो एक आए विप्र समझते हैं पंडित जी, हम लोग जो है उनको बड़ा प्रणाम करके कहते हैं पंडित जी गौर लागे, तो बोले कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन बताइए आप ब्राह्मणवाद से आजादी क्यों चाहते हैं। हम बोले हे पुरोहित विप्र, हम जो है ब्राह्मणवाद से आजादी चाहते हैं, ब्राह्मण से आजादी नहीं चाहते हैं, आप इसको समझ लीजिए। हमको किसी भी जाति से दिक्कत नहीं है, हमको जातिवाद से दिक्कत है, इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए। हमको समाज के अंदर जो ऊंच नीच की व्यवस्था है उससे दिक्कत है, इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए। और यह बात भी गांठ बांध करके रख लीजिए कि हमको किसी के खिलाफ नफरत नहीं है, हम तो मोदी जी से भी नफरत नहीं करते हैं। हमने कहा कि मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो हम गलती से भी उनका नाम कभी नहीं लेते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए हम उनका नाम लेते हैं। लेकिन इनकी तरह जिस तरह से ये नेहरू को बदनाम करते हैं, उस तरह से हम मोदी जी को बदनाम नहीं करते हैं। हमारे किसी भी भाषण को सुन लीजिए, हमने मोदी जी के व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। हमने ये कभी नहीं कहा है कि मोदी जी सिगरेट पीते हैं, कि दारू पीते हैं, कि किसके साथ सोते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। हम किस पे सवाल खड़ा करते हैं, हम सवाल खड़ा करते हैं कि उनकी नीतियां क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, वो जो सरकार में आए हैं उससे देश की जनता को क्या हासिल हुआ है, हम इस पे बात करते हैं। हमको इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नेहरू जी का संबंध एडवीना से क्या था, हमको इस बात में कोई संबंध नहीं है कि हाफ पेंट पहनी हुई नेहरू की तस्वीर असली है या नकली है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी अगर नेहरू ने राष्ट्र निर्माण नहीं किया होता तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए होते। इस बात को आप मानिए, आपके डिफरेंसेज हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकली आप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर इस देश के प्रधानमंत्री जिन्ना होते तो हमारे यहां भी कोई जिया उल हक हुआ होता। इस देश में लोकतंत्र जिंदा है और उसी लोकतंत्र की जो गरिमा है वो गरिमा हमको सिखाती है कि आप प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को समझिए। लेकिन ये कमाल के समर्थक हैं, इनको कुछ लोग भक्त कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई साहब भक्ति तो भगवान की ही होती है, व्यक्ति की भक्ति कीजिएगा तो आप भक्ति के स्तर को नीचे लेकर के जाइएगा। भक्ति भगवान की होती है ना, व्यक्ति की भक्ति होती है क्या? इसलिए मैं इनको भक्त नहीं कहता हूं, मैं इनको समर्थक कहता हूं। और इनके जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं, मोदी जी रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। हम बोले सही बोले, मोदी जी रिमोट से नहीं चलते हैं, मोदी जी मोबाइल के मोड से चलते हैं, इसीलिए समय समय पर इनका मोड ऑन हो जाता है। जैसे अभी ये फ्लाइट मोड पे है, विदेश चले गए हैं, वहां से जब ये आएंगे तब जो है इनका स्पीकिंग मोड हो जाएगा, क्योंकि ये बोल एकदम जुमलेबाजी करके एकदम गर्दा उड़ा देंगे जहां जाएंगे वहां पे। उसके बाद जब देश का जवान सवाल पूछेगा तब ये साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, और जब इनको लगता है कि चुनाव हारने वाले हैं तो ऐसे कैंपेन करते हैं जैसे लगता है कि वाइब्रेशन मोड पे चले गए। ये जो हमारे मोबाइल प्रधानमंत्री हैं, जो मोबाइल की तरह चलते हैं,
उनके ऊपर अगर हम सवाल खड़ा करें तो आप कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खत्म कर रहे हैं। और आप जब मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे थे, उसको मनमोही बाबा कह रहे थे, आप कह रहे थे कि सोनिया गांधी उनको कंट्रोल करते हैं, तब आप जो है प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रख रहे थे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि ये लोग जो है दोनों स्थिति में ताली बजाते हैं। पूछिए कैसे, जब जीएसटी लागू हुआ तो इन्होंने कहा कि जीएसटी इसलिए लागू किया गया है ताकि हम लोग 28% का टैक्स दे करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जब जीएसटी को घटा करके 18% किया गया तब कहा गया कि लोगों के ऊपर बड़ा बोझ पड़ रहा था इसीलिए उसको 18% किया गया है। मतलब हर स्थिति में ताली बजाना है। जय हो भक्ति, हर हर महादेव, जय हो भक्ति। आज का दिन जानते हैं क्या है, आज के दिन ही नाथूराम को फांसी दी गई थी और नाथूराम का मंदिर बनाया गया है। कहां? ग्वालियर में। राम जी वेटिंग लिस्ट में, उनका मंदिर बना नहीं है, नाथूराम का बन गया है, कंफर्म हो गया है। मैंने जैसे प्रधानमंत्री आडवाणी जी को बनना था, बेचारे वेटिंग में रह गए और मोदी जी का कंफर्म हो गया टिकट, मंदिर बनाया गया है। और कौन है ये नाथूराम? नाथूराम ने क्या किया? नाथूराम ने गांधी जी की हत्या कर दी, जिस गांधी जी के चश्मे को इन्होंने स्वच्छ भारत के पोस्टर पर लगा दिया गया और उस आदमी का महिमा मंडन किया जा रहा है। अब यह बात हमको समझनी होगी कि राम की जो बात की जा रही है, दरअसल ये राम का मंदिर बनाने में इंटरेस्टेड है कि नाथूराम का मंदिर बनाने में इंटरेस्टेड है, यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। हकीकत क्या कहता है? हकीकत यह कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर राम के जो स्वरूप, जैसे मैंने अभी कबीर की चर्चा की थी, आप कबीर के राम अलग है, तुलसी के राम अलग है, इस देश की जो लोक संस्कृति है उसमें रचने वसने वाले राम अलग है और भाजपा के जो राम है धनुष उठाए हुए वो बिल्कुल ही अलग है। हमारे राम जो है वो हमको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमको हमारे कष्टों से आजाद करा करके हमको स्वर्ग लोक ले जाने की एक तैयारी है, एक माध्यम है। और इनको जानते हैं कहां पहुंचाते हैं? इनको दिल्ली पहुंचा देते हैं, प्रधानमंत्री बनवा देते हैं, इनको मुख्यमंत्री बनवा देते हैं। और उसी राम की मैं चर्चा करना चाहता हूं। त्याग की पराकाष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी सौतेली माँ के कहने पे, हालांकि ये बड़ा मजेदार चीज है, अक्सर सौतेली माँ को जो है बड़ा अजीब रूप से प्रचारित किया जाता है। मेरा नाम कन्हैया है, मेरी माँ का नाम यशोदा नहीं है, गलती से यशोदा बेन जो है वो मोदी जी के पत्नी का नाम है। तो उसमें जो है यशोदा जी के गर्भ से भगवान कृष्ण पैदा नहीं हुए थे, लेकिन वो देवकी से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करते थे। तो अक्सर सौतेली माँ को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक बात है, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कहते हैं ना कि जाके पैर न फटे विवाही, वो का जाने पीर पड़ाई। एक मर्द होकर के किसी महिला का इतना दर्द हम समझ पाते हैं, इतने हमारी कुवत नहीं है, हमको नहीं मालूम कि औरत का दर्द कितना होता है, बस समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि उस औरत ने ही हमको जना है। तो सौतेली माँ के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपना राजपाट छोड़ करके बनवास चले जाते हैं। और एक है हमारे योगी जी, भगवा धारण करके वन को छोड़ करके, उत्तराखंड से हैं जान लीजिए, वन को छोड़ करके लखनऊ में आ जाते हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। एक राम है जो राजपाट छोड़ करके वन चले गए हैं। ये राम भक्त हैं, मॉडर्न सेल्फी विद डॉटर है, मॉडर्न राम भक्त है ना। ये जंगल छोड़ करके लखनऊ आ गए हैं और सीएम बन गए हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार, गजब चल रहा है एकदम। नहीं, कोई भी इस बात की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी रुक करके इनकी जो संकल्पना है राष्ट्र पे उस पर सवाल खड़ा करने को तैयार नहीं है। ये सवाल हम लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, अगर ये सवाल हम नहीं खड़ा करेंगे तो ये हिंदुस्तान विकास की जो एक पूरी की पूरी यात्रा को तय करके यहां पहुंचा है। बलिदानों और त्यागों के बाद बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू, झलकारी बाई, उन तमाम महान लोगों की विभूतियों की आहुति के बाद जो यह देश बना है, इस देश को बर्बाद कर दिया जाएगा। अगर इस देश को हम बचाना चाहते हैं, हमको इनके साथ विमर्श करना पड़ेगा और इनसे पूछना पड़ेगा कि तुम कितना समझते हो हिंदू धर्म को, ये सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं। अगर ये काम हम नहीं करेंगे, अगर इनकी देशभक्ति की सही तरीके से व्याख्या नहीं करेंगे, कहते हैं ना
घाव हो जाए अगर ऑपरेशन नहीं कीजिए तो पूरा का पूरा अंग काटना पड़ता है, इसका सर्जरी करना बहुत जरूरी है। ये सर्जरी यदि आप नहीं करेंगे ये पूरे के पूरे समाज को गंदा कर देंगे, जिस तरीके से एक सरा हुआ आम पूरी टोकरी के आम को सरा देता है ये पूरे समाज को सरा देंगे, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। एक तरफ राम का नाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ विकास का नाम ले रहे हैं, और तीसरी तरफ कहते हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। हो देशभक्त, आओ एक सवाल पूछते हैं। कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बढ़िया आदमी थे, हम सब जानते हैं कि बढ़िया आदमी थे, तो ये वही सरदार पटेल हैं जिन्होंने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था जब आरएसएस का नाम गांधी हत्या के बारे में लिया गया था। और आजाद भारत का अगर मैं ये बात कहूं तो सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। और उस इंसान की ये लोग मूर्ति लगा रहे हैं और अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं, और ये मूर्ति लगा रहे हैं उसकी, गांधी की जो हत्या हुई आज उसका फांसी चढ़ाया गया था, उस हत्या के दिन को हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और ये लोग उसको उल्लास दिवस के रूप में और गांधी हत्या को एक अपराध को गांधी वध के नाम से ये कहते हैं कि हमने गांधी का वध किया है। ऐसा लगता है जैसे गांधी जी कोई राक्षस हो और ये जो है नाथूराम गोडसे वो अवतार है जिन्होंने गांधी जी का वध किया था। ये मानसिकता हमारे दिमाग में ये डालने की कोशिश करते हैं, हमारे बच्चों के दिमाग में ये जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, हमारे समाज को जाति और धर्म के नाम पे खंडित खंडित करके हमारी एकता को ये तोड़ देना चाहते हैं। ये है हकीकत इस देश की। एक लोगों के पास रोजगार नहीं है, मैंने किसान आत्महत्या नहीं रुका है। किसान के बारे में उन्होंने क्या कहा, कहा कि आत्महत्या रुकेगी किसानों को उनके फसल के दाम के साथ 50% का बोनस दिया जाएगा। इसमें बेचारा राहुल गांधी बोला उसका फसल में पलट दिया, उन्हें बोल कुछ और रहा था, उसका एक हिस्सा आगे पीछे से काट करके उसको चला दिया। भाई साहब भाषण काट करके आप चुनाव तो जीत जाइएगा लेकिन जनता के सवाल अगर हल नहीं होंगे ना तो लोगों का दिल नहीं जीत पाइएगा। और गद्दी से उतरना तो फिर भी ठीक है, दिल और दिमाग से उतर जाना बहुत खतरनाक होता है, इस बात को याद रखिएगा। और भाजपा इस देश के लोगों के दिल से उतरना शुरू हो गया है, डर से लोग बोल नहीं रहे क्योंकि बड़ा वायलेंट लोग हैं और बेचारे शांत लोग हैं, अपना काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, दुकान चलाते हैं, ट्रेन से कहीं आ जा रहे हैं, बस से आ जा रहे हैं, तो डर से नहीं बोलते हैं। क्या पता झूठ फूट का ही आरोप लगा दे कि जो है बीफ लेकर के जा रहा था इसीलिए ट्रेन से फेंक दिए, क्या पता है, कुछ भी आरोप लगा करके किसी को मार देगा, क्या पता कह देगा कि आपका सीडी बना लिए हैं। तो सीडी तो ऐसा हो गया है जैसे हम लोग स्कूल में लड़ते थे ना, दो विद्यार्थी लड़ते थे, दो लड़का लड़ जाते थे आपस में, तो कहते थे कि गुरु जी को कह देंगे, तो कहे हाँ क्या कह दोगे, तो कहते थे तुम जो है बेल चुराए थे। अब लगता है कि अगला बार जब स्कूल में बच्चा सब लड़ेगा ना तो कहेगा कि बदमाशी करोगे, गुरु जी को कह देंगे, पूछेगा क्या कह दोगे, तुम्हारा सीडी बना लिए। एक भी सवाल का हल नहीं हुआ है, एक भी चीज जो है जनता का पूरा नहीं हुआ, उस पे लोग बोल भले नहीं रहे लेकिन लोगों के दिल से उतरना शुरू हो गया है क्योंकि लोगों को एक्चुअली सदमा लगा है। सदमा क्या लगा है कि लोग तबाह तो थे ही, ऐसा नहीं है कि महंगाई इस देश में पहली बार हुई है, ऐसा नहीं है कि किसान की आत्महत्या पहली बार हुई है, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि समाज में असमानता पहली बार हुई है, ऐसा नहीं है। ये समस्याएं इस देश में पहले से थी, हो सकता है कि ये समस्या और भी आगे रहे, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि नोटबंदी करके पहले ये कहा जाए कि आप अपना 1,000 और 500 का रुपया जमा कीजिए, फिर आपको 2,000 का रुपया देंगे और जो 2,000 का रुपया देंगे उसको वापस बैंक में जमा कीजिए और बैंक में यदि 4,000 से कम पैसा हुआ तो आपसे फाइन ले लेंगे। हमको तो लगता है कि किसी दिन बैंक ये कह देगा कि इधर से मत गुजरना, इधर से अगर गुजर गए और सीसीटीवी कैमरा में अगर आपका चेहरा आ गया तो आपसे मुदखाई ले लेंगे 50 रुपया। इतना फाइन वसूला है इस देश की आम जनता से और पैसा वसूल करके क्या किया, पैसा वसूल करके अंबानी और अदानी को कर्जा दे दिया। और जब पूछा प्रधानमंत्री जी को कि नोटबंदी के बाद क्या फायदा हुआ तो लाल किला पे खड़ा होकर के बोले कि 3,00,000 करोड़ काला धन वापस आया है। ए मोदी जी इतना गणित तो नहीं पढ़े लेकिन ये बता दीजिए कि 3,00,000 करोड़ यदि वापस आ गया तो
तो जापान से 1,00,000 करोड़ बुलेट ट्रेन के लिए क्यों कर्जा लिए, ये बात जरा हमको समझा दीजिए। और ये जो आप लाने का दावा कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन लाने का दावा कर रहे हैं, उसका भी एक हकीकत जान लीजिए साहब कि मुंबई से अहमदाबाद जो ट्रेन चलती है सुपर फास्ट एक्सप्रेस, उसमें सीट नहीं भरता है। मैंने मुंबई अहमदाबाद कोई दिल्ली पटना थोड़ी है कि हमेशा 300 वेटिंग मिलेगा संपूर्ण क्रांति में। महाबोधि में टिकट नहीं मिलता है भाई साहब, आप साल में कभी भी बिहार आइए झारखंड आइए आपको टिकट ही नहीं मिलेगा। लेकिन अहमदाबाद मुंबई में सीट की कोई कमी नहीं होती है। और आरटीआई में यह कहा गया है कि वो जो सुपर फास्ट ट्रेन चलती है प्रति वर्ष सालाना 10 करोड़ का नुकसान रेलवे को हो रहा है। मैंने ठीक से इंडियन रेल नहीं चल रहा है, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अरे बाप रे बाप, धन्य गुरु, मैंने अद्भुत प्रधानमंत्री, अद्भुत। और इस बात को भी जब आप कोई सवाल खड़ा कीजिएगा तो क्या कह देगा, अरे ये लोग तो विकास विरोधी है। विकास विरोधी नहीं है, विकास कीजिए, बेशक विकास कीजिए, बुलेट ट्रेन चलाइए, हीरो होंडा ट्रेन चलाइए, यमहा ट्रेन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताइए कि वो जो बुलेट ट्रेन की पटरी बिछेगी, जिस किसान की जमीन को छीन करके, वो जो बुलेट ट्रेन की पटरी बिछेगी जिस आदिवासी की जमीन छीन करके, वो बुलेट ट्रेन की जो पटरी बिछेगी किसी दलित की बस्ती को उजाड़ करके, किसी महिला के अरमानों में आग लगा करके, उसके लिए कितना परसेंट सीट रिजर्व कीजिएगा, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं।